2 घंटे पहले उनको करीबन 1 फुट की दूरी से भी ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, और अभी जो ट्रीटमेंट होने के बाद करीबन 10 फुट की दूरी से सुनाई दे रहा था। मशीन लगाने के बाद जो पहले डिस्टर्बेंस होती थी, जो फालतू आवाजें ऐसे आती थी वो नहीं आ रही, मतलब नॉर्मली सब कुछ सुनाई दे रहा था। नहीं पहले से आज बहुत अंतर दिख रहा मेरे को, बहुत कुछ हुई। ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि मतलब जो अपन और कहीं पे इलाज कराते हैं वो बोलते हैं कि आप ऑपरेशन कराइए या कुछ कराइए, वो ये भी बोलते हैं कि 100% नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे देखा, जैसे दवाई डाली और थोड़े देर बाद जो नहीं दे रहा था सुनाई, दवाई डालने के बाद मतलब बहुत अच्छा सुनाई देने लगा। आपको जब यहाँ आए तो आपने इसका वैसे पहले एक बार चेक कराया, कान में आवाज़ देखी, उसको बोला है तो इसने थोड़ी आवाज़ें सुनी है, लेकिन प्रॉपर नहीं सुन रही थी बिल्कुल। मशीन लगा के भी सुनाया था बगैर मशीन के भी, लेकिन अभी जब दवाई डाली है इसके फिर कान में, उसके बाद फिर जब सुनवाया तो थोड़ा दूर से भी सुन रही थी। अच्छा है रिजल्ट, तो अभी तो अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। बस मुझे तो इतना ही कहना है कि एक बार में जब इसका थोड़ा फ़र्क आया तो और बार डाल के भी पूरा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होएगा। ये हमारी पूरी पीहू बता भी रही है थोड़ा, जैसे इसकी आवाज़ सुनिए तो शायद ये बिना मशीन के इतनी दूर से ना सुन पाती है आवाज़। बस एक बार प्रयास तो सभी को प्रयास करना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको वैसी प्रॉब्लम है, जन्म से या बाद में हुई है किसी कारणवश, तो वो एक बार आके जरूर यहाँ पे ओपिनियन ले, ट्रीटमेंट कराए, तो हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट उसके लिए आ जाए और वो ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट से पहले सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ा कान चला जी अंतर आया है, उसमें जितने भी अंतर आया है, पहले पीछे से नहीं सुनाई देता था, थोड़ा बहुत अब सुनाई देता है। सही लग रहा है अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ एक बार यहाँ पर आए और अपनी टेस्टिंग करवाएं और दवाई डलवाएं, 6 महीने का इलाज लें, हो सकता है कि उनका पूरा कान ठीक हो जाए अच्छी तरीके से। जी सर, सर थोड़ा ठीक लग रहा है अब तो, आगे के लिए भी कोशिश करूँगी, सबसे बात करूँ ताकि मेरे कान अच्छी तरह से ठीक हो।